हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी गांधीनगर की। आईआईटी गांधीनगर की तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी, उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करेंगे जो कि है iitgn.ac.in। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको देखिए सेक्शन दिख रहा है जिसमें काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको पीएचडी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, दिस वन पीएचडी एडमिशन सेमेस्टर टू। तो सेम टू का मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन सेकंड सेम में होगा। सेम टू का मतलब है एक ईयर में दो बार फॉर्म्स आते हैं, तो पहला वाला होता है सेम वन, सेकेंड होता है सेम टू। इसी पर क्लिक कर लीजिएगा आप अप्लाई हेयर या कहीं पर भी, तो ये डेडिकेटेड पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये है फ्लायर, ठीक है, तो इससे आप देख सकते हैं प्रोग्राम्स या डिपार्टमेंट्स। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग है, देन केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सीएससी, इलेक्ट्रिकल, मटेरियल्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, कॉग्निटिव एंड ब्रेन साइंसेज, अर्थ साइंसेज, एचएसएस। तो ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज में फिलोसफी, सोशियोलॉजी, लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, डेवलपमेंट स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स इज देयर। यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी हैं जो हाईलाइट्स हैं वो यहाँ पे पीएचडी की वो है। एप्लीकेशन डेडलाइन इज 3rd October। सेम पेज पर ही आप देखेंगे स्क्रॉल करके तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। सो जैसा पहले बोला, डेडलाइन इज 3rd October, देन लिस्ट आएगी 9th October तक या उसके बाद भी आ सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली आ ही जाती है। फिर यहाँ रिटर्न एंड इंटरव्यू का जो भी शेड्यूल है या कब से कब तक होगा, तो 1st November से 10th November के बीच में होगा। फाइनल रिजल्ट 20 November को आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप इनके स्कॉलर्स की लिस्ट और इन्फॉर्मेशन एंड ओवरव्यू देख सकते हैं। इस पोर्टल पर ये लिंक है बेसिकली पोर्टल का, इस पर क्लिक करके यू कैन अप्लाई, यू कैन प्रोसीड। देन यहाँ पे कुछ सेक्शंस हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशंस हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो इसे हम देखते हैं। इससे पहले देखिए यहाँ ऑप्शन था डाउनलोड ब्रोशर का, तो हम इसे भी देखेंगे। अर्ली पीएचडी का भी अभी हम देखते हैं, अगर डेट्स हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो उसी को कवर करेंगे। सो, चलिए सबसे पहले हम इसी सेक्शन को देख लेते हैं क्योंकि इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं। सो, क्राइटेरिया में 55% मार्क्स हैं आपके या 5.5 CPI है इनमें से किसी डिग्री में, तो आप एलिजिबल हैं। बाकी डिपार्टमेंट वाइज क्वालिफिकेशन आप क्लिक हेयर पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसे भी एंड में देखेंगे। कैटेगरीज में एक है रेगुलर, दूसरा है कंटिन्यूइंग डॉक्टरल प्रोग्राम जो वर्क कर रहे हैं और कंटिन्यू करना चाहते हैं, फिर है फाइनेंशियल सपोर्ट। तो यस, आपको फेलोशिप मिलेगी 31,000 पर मंथ, एंड डिपेंड करेगा ACF तक में कौन सी क्वालिफिकेशन है। अगर PG डिग्री है, बेसिक साइंस जैसे MSc वगैरह किया है, साथ में नेट या गेट है, या BTEC BE किया है साथ में नेट या गेट है, या और कोई ऐसा प्रोफेशनल कोर्स में डिग्री है, तो आप एलिजिबल हैं। BTEC किया है किसी CFGI से, एटलीस्ट 8 CPI है तो आपको भी फेलोशिप मिल सकती है। MSc MA IT से किया है, CPI 8 है तो आपको मिल सकती है। BS किया है ISC से, CVI एटलीस्ट 6.4 है तो आपको भी मिल सकती है। BSMS ICER से है, CPI 8 है, उससे ज़्यादा है तो आपको भी मिल सकती है। नेक्स्ट ये लास्ट है, BS किया है ICER से, CPI 8 है एटलीस्ट, तो आपको मिल सकती है। तो बेसिकली इनमें से कोई आपके पास क्वालिफिकेशन होगी तभी आपको मिलेगी फेलोशिप। एंड पहले 2 साल इट इज़ 31,000, देन फ्रॉम 3rd year इट विल बी 35,000। देन यस, बाकी भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं डिटेल्स को फॉर स्कॉलरशिप्स एंड अवार्ड्स। यस, आफ्टर दैट देयर इज एडमिशन प्रोसीजर। सो प्रोसीजर में देखिए रिटर्न होता है, इंटरव्यू होता है, कुछ डिपार्टमेंट जैसे हो सकते हैं जो डायरेक्टली इंटरव्यू ले, अदरवाइज पहले इंटरव्यू होगा, फिर अगर उसे क्वालिफाई करेंगे तो आप पहले रिटर्न होगा, उसे क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू होगा। एंड ये सारी जो अपडेट्स हैं आपको वेबसाइट पे बाद में देखने को मिलेंगी, ठीक है। आपको लॉगिन करना होगा एंड में भी आपको ईमेल भी मिले। सो यस, आफ्टर दैट प्रोसीजर है, सो क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन फ़ी है 150 SC ST PG कैटेगरी के लिए, बाकी सभी के लिए है 300। हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है, डेट्स हमने ऑलरेडी देखी हुई हैं, बाकी आप ये सेक्शन पढ़ सकते हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक से ज़्यादा डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेपरेटली अप्लाई करना होगा, ठीक है। एंड यस, हार्ड कॉपी आपको बाद में दिखानी होगी, पर अभी नहीं सबमिट करनी है, इंटरव्यू के टाइम दिखानी होगी। देन फोकस एरियाज़ हैं, तो अब आप यहाँ से ना डिपार्टमेंट वाइज फोकस एरियाज़, रिसर्च एरियाज़ जो अवेलेबल हैं उन्हें देख सकते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक है तो इसलिए आप अपने से देखेंगे, ठीक है। PMRF में ऑफकोर्स IITs होते हैं, तो आप PMRF के लिए भी एलिजिबल होंगे अगर यहाँ पर आप PhD करते हैं तो।
नाउ नेक्स्ट देखिए डाउनलोड ब्रोशर के ऑप्शन से ये फ्लायर ही डाउनलोड हो रहा है जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। नेक्स्ट अगर आपकी कोई क्वेरीज वगैरह है तो आप बता दीजिए, बाकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने बता दी। जहाँ तक बात है वेन्यू की तो मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन होगा, बट ऑनलाइन के भी ऑप्शन कई बार मिल जाते हैं रिटर्न इंटरव्यू के लिए, बट सोच कर चले कि ऑफलाइन ही होगा। ठीक है, तो यस ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। जो भी इशूज़ हैं बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स, फॉर मोर डिटेल्स, एंड यस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।